औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। आज हम मौजूद हैं उस्ताद नई बलोच की छत पर, यहाँ बल्दिया टाउन में गुलिस्तान मजदूर में इनकी छत है और लो फ्लाइंग की जो है वो कबूतरबाजी करते हैं। और इनके जो ये कबूतर हैं बड़े नायाब किस्म के कबूतर हैं जो कराची के मुख्तलिफ इलाकों में, इसके अलावा तुर्बत में, हब में, इनके शागिर्दों की छतों पर इन कबूतरों ने बड़ा नाम कमाया और माशाल्लाह आज आपको भी हम उन कबूतरों का शौक़ करवाते हैं। आज वो सरीन आज ये नर हैं, ये अभी नए पट्टे यहीं आके जवान हुए हैं, यहीं जो है इन पट्टों को हिलाया गया और ये ब्रीड तैयार की गई है। ये सारे नर हैं उड़ने वाले, इनकी पर पटाई करेंगे। कराची में जो 29 मई से जो चैम्पियनशिप उड़ाई जा रही है, उस चैम्पियनशिप में इंशाल्लाह ये कबूतर उड़ाए जाएंगे। ये मादियाँ हैं सारी, आप पकड़ के भी शौक करवाते हैं, भी उनके कुंदे और पंजे, उनके सर स्ट्रक्चर, उनका सब आपको डिटेल से बताते हैं इंशाल्लाह। वीडियोस को ना आप लोग एंड तक देखा करें, बीच में हम कोई ना कोई बात ऐसी करते हैं जो सीखने सिखाने के हवाले से होती है। अक्सर शौकीन फिर कमेंट्स में उन्हीं के बारे में सवाल पूछ रहे होते हैं जो बात हम वीडियो में बता चुके होते हैं, तो पहले जो है वो वीडियो कम्प्लीट देखा करें और फिर कोई चीज़ समझ ना आए तो लाजमी पूछा करें। नहीं भी एक कबूतरी दिखाना, ये सामने जो चीनी से खड़ी हुई सफ़ेद चोंच वाली नीचे, ये नहीं थी खोपड़ी, देखें इस कबूतरी की। टॉप देखें इसका बिल्कुल फ्लैट है, कुंदा देखो, ये देखें। अभी कुंदे को समझने वाले लोग जो है वो बड़े इजीली समझ चुके होंगे कि पूरी किताब खोल के कबूतरबाजी की सामने आ चुकी है। इसका भी टॉप देखें आप, ना सर को फेस पूरा ना सरफेस नज़र आना चाहिए, सही सही बिल्कुल, ये टॉप निकालना चाहिए। अजान का वक्फा करते हैं जी, तो अजान हो चुकी है, अभी आपको शौक कराते हैं। इसका ज़रा कुंदा दिखाना है, इस कबूतरी का पर गिराए में, असल में पर पटाई भी करनी है। पंजे दिखाना कबूतरी के, नहीं भाई आपके पुराने जादूगरों में ये कबूतर बने हुए लग रहे हैं। ये बचपन की माँ जादूगर है, हाँ अपने घर का पता था, जादूगरों में क्रॉस किए हुए कबूतर हैं ये। कि नहीं भाई की बड़ी पुरानी ब्रीड होती थी जादूगर, दिखाना जरा इरफान, ये उसमें के बने हुए कबूतर हैं ये। ये कौन सा है कबूतर? ये जादूगर कबूतर, छः नंबर का, छः नंबर जोड़े, ये तो जोड़ों में से तोड़ के डाला हुआ है अभी, जोड़ों में। कुछ कबूतर ऊपर जो है ना ये नर मादियाँ, जोड़े जो तोड़े हुए हैं ना, ये नर हैं और उस तरफ मादियाँ हैं, ये जोड़े तोड़ के अभी यहाँ रखे हुए हैं। ये दोबारा पूरे पूरे घर का ना, हाँ मेरा नसल इस नर से चल रहा है। अच्छा, ये जरा कबूतर गौर से देखना आप, साथ ही सीखने के लिए बड़ा कुछ मिलता है ऐसे कबूतरों में सारा पूरी। ये कौन सा कबूतर है? ये हम इनको अरसलान वाला कहते थे। अच्छा, ये जो पुराने 2013 में भी आपको होते थे, ये वही बेनजीर और अरसलान वाला, ये वो कबूतर है, ये वो कबूतर है, बेनजीर का भाई है, हाँ इससे सारा नस्ल। मुझे 2013 में ये कबूतर मैंने देखे थे, मुझे याद आया, कितने 9 साल हो गए तकरीबन।
इन कबूतरों का नाम मैंने उस वक्त क्या रखा हुआ था नईम भाई, रिमोट कंट्रोल। इनको माशाल्लाह मैंने बड़ा एक्सपेरिमेंट किया इन कबूतरों पे, जिस तरीके से भी इन कबूतरों को आप चाहेंगे ना ये वैसी उड़ान देते हैं। हाइट पे रखना है, नीचे रखना है, आगे रखना है, ये देखिए माशाल्लाह इसका बेटा है, इसी का पट्ठा ये। अब ये भी जोड़ों में साइडों में हटा के खड़े किए मैंने, माशाल्लाह बड़ा ज़बरदस्त जो है वो एक, बाकी जोड़े नीचे लगे हुए कुछ ना, जोड़े नीचे लगे हुए इंशाल्लाह आप वो कभी नईम भाई के जोड़ों का भी शौक करवाएंगे। आज मैंने अपनी छत पे जाके वीडियो बनानी थी पंप वाली छत पर, लेकिन नईम भाई आ गए तो आज हमने कहा चलो ये वीडियो बनाते हैं, फिर एक दो दिन में अपनी पंप वाली छत है वहाँ से वीडियो बनाएंगे। जोड़ा लगा उसी के बेटों को बेटे कर ये चार नंबर है ये माशाल्लाह बहुत ये भी आपने कुछ अर्सा पहले एक टूर्नामेंट में हिस्सा लिया था रात को 128 घंटे जिस दिन आपके बने थे सर्दी में उसमें एक कबूतर आपका उड़ा था जो आखिर में सुबह बैठा था वो वही 4 बजे वाली मादी जिसको हम कह रहे हैं ना, उसी के बच्चे 43 ये उसी के बच्चे हैं ना मादी नीचे जोड़ों में 43 नंबर जो मैंने कबूतर देखा ना मादी है दोनों उसी के पट्टे, बाकी बच्चे ऊपर बैठे हैं ये नए बच्चे हैं कुछ ऊपर भी लगाए हुए हैं खटकी के ऊपर छोड़ा हुआ इन्हें ये भी हिल रहे हैं। ये जोड़ों वाले कबूतर हैं नईम भाई के, हाँ जोड़े तोड़े हुए फिलहाल कुछ 20 जोड़े लगे हुए, बाकी जोड़े तोड़ दिए थे क्योंकि आगे टूर्नामेंट के दिनों में फिर बच्चे निकले होते हैं फिर उनको आदमी हिला नहीं सकता लगा नहीं सकता क्योंकि उड़ने वाले कबूतरों पर मेहनत करनी होती है ना। उड़ने वाले कबूतरों का तरीकाकार ये है कि बाजी से हम जो अपने तरीके से करते हैं वो तकरीबन 1 महीना पहले उनके पर हम काट देते हैं और फिर उसके बाद हम उनकी पर पटाई करते हैं, खुराक पर पटाई के हिसाब से फिर शुरू करते हैं। इंशाल्लाह जिस दिन अपनी पंप वाली छत की पर पटाई करेंगे तो फिर उस दिन आपको ये सारी डिटेल बताएंगे कि पर पटाई के बाद खुराक इन्हें क्या दी जाती है, कैसे दी जाती है, टाइमिंग क्या होती है। तो जो साथियों ने चैनल अब तक सब्सक्राइब नहीं किया वो ज़रूर सब्सक्राइब करें ताकि वीडियोज़ आपसे निकल ना जाया करें, वीडियोस तमाम आप देख लिया करें ताकि इससे फ़ायदा ही होगा आपको। ये जोड़ों वाली मादियाँ जो जोड़े तोड़ के मादियाँ यहाँ खड़ी की हुई हैं, ये उड़ने वाले कबूतर हैं नहीं, ये नर आपको दिखाए कुछ मादियाँ आपको दिखाई हैं, कुछ कबूतर हमने आपको हाथ में पकड़ के भी उनके कुंदे वगैरह सर बॉडी स्ट्रक्चर चीज़ें दिखाने की कोशिश की है। वीडियोस को मैक्सिमम शेयर किया करें ताकि हर जगह जो है वो पैगाम पहुँचे, शौक का पैगाम पहुँचे, शौकीनों तक आवाज़ पहुँचे शौक की। ये वो कबूतर हैं जो 2022 की जो चैम्पियनशिप उड़ाई जाएगी कराची की उसके लिए तैयारी कर रहे हैं इंशाल्लाह ताला, और उम्मीद ये है कि ये छत अच्छा रिजल्ट देगी। तमाम साथी वीडियो को मैक्सिमम व्हाट्सएप ग्रुप्स में और फेसबुक अपनी अपनी आईडीज़ पर भी शेयर करें ताकि नईम भाई का जो शौक है वो दुनिया तक पहुँचे।